तो सबसे पहले फिजिक्स क्लास में ग्राउंड देते हैं स्टूडेंट का। स्टूडेंट का ग्राउंड है कि अगर यहां से किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है किसी एंगल थीटा पे, तो देखो क्या होगा, तुमको ये समझ में आ रहा है। एग्जांपल का ले लो, अगर किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हो, शुरुआत में मान लो 60 डिग्री पर थ्रो किए, तो अगर मान लो कुछ देर बाद प्रोजेक्टाइल यहां पहुंच गया है, तो यहां पर तो एंगल 60 डिग्री बचेगा ना, यहां पे घट जाएगा ना, मान लो यहां 20 डिग्री हो गया, एंगल तो घट ही गया। प्रोजेक्टाइल का एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है दिमाग में, हमेशा प्रोजेक्टाइल का नाम आते ही वो चीज दिमाग में आना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट ये है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का, वो कभी चेंज नहीं होता, राइट। उसमें इतना काम है कि जब वो टॉप पर चल रहेगा प्रोजेक्टाइल तब भी वो जीरो नहीं होता, टॉप पर सिर्फ वही कंपोनेंट चलता रहता है यू कॉस थीटा, जो यहां से डेवलप होता है। हम एक प्रकार से पूछे थे, आप ही आप शायद आंसर दिए थे। हाँ, तो अब देखो यहां से अगर यू सेंड करते हैं तो इधर का कंपोनेंट हो जाएगा यू कॉस, जो भी यहाँ पे एंगल होगा, अगर थीटा मान रहे नीचे थीटा हो जाएगा। अब इधर का जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा यू साइन थीटा। अब ऊपर जाते जाते यहाँ पहुंचे, जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ का कंपोनेंट मान लो अल्फा हो गया, इधर का कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा यू कॉस अल्फा, इधर का हो जाएगा वो हो जाएगा यू साइन अल्फा। बेटा आपको लेकर के आपके पास नया हो, ओके। तो अब होता क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट होते हैं ये कंपोनेंट हमेशा बराबर होता है, एंगल चाहे कुछ भी ये मैटर नहीं करता, क्योंकि इसमें अगर एंगल छोटा होता जा रहा है तो जरा ध्यान दो, अगर कॉस का ग्राफ तुम चेक करो तो जीरो से लेकर 90 डिग्री तक कॉस घटता है, तो अगर एंगल छोटा हो रहा है, एंगल छोटा हो रहा है, ध्यान दो, अगर एंगल छोटा हो रहा है तो जो वैल्यू हो रही है ना कॉस की वो बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। अब ये वैल्यू बढ़ती है, मतलब अगर मान लो कॉस थीटा की बात करें, मान लो ये घटता जा रहा है घटता जा रहा है घटता जा रहा है, जो ओवरऑल आंसर है वो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। इसके साथ में अगर यू से मल्टीप्लाई है तो ऑब्वियस सी बात है कि यू घटता जा रहा है, क्योंकि जब ऊपर जाएगा ना तो मेन वेलोसिटी घटती जाती है, तो उसके कंपोनेंट छोटे हो जाएंगे, तो यू तो घट रहा है लेकिन जब उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ तो ये पूरी क्वांटिटी बढ़ रही है, ये पूरी घट रही है, ओवरऑल बैलेंस है, मतलब ओवरऑल चेंज नहीं होगा। एनीवे अब देखो इसका ये मतलब सीधे हो सकता है, यू कॉस थीटा यू कॉस अल्फा बराबर कर सकते हैं, तो यू कॉस अल्फा हम बराबर कर दिए यू कॉस थीटा, यू कट कर दो, सॉरी बड़ा मिस्टेक कर दिया था यहां पे, यहां पर यू इनिशियल वेलोसिटी जिससे देखा गया है, लेकिन जब बॉल यहां पहुंचेगा उसका जो पाथ वेलोसिटी है, पाथ पर जो वेलोसिटी है, अब वो यू थोड़ी लगा, कुछ और क्या, बी मान लो, फाइनल वेलोसिटी बी मान लो, तो इसको तुम बी करो, ये वाला बी हो जाएगा, तो बी कॉस अल्फा यू कॉस थीटा बराबर हो जाएगा। ठीक, कंडीशन दिया हुआ है कि थीटा से देखा क्या था, जब अल्फा देखा तब का सीन बताना है, ठीक है, तुम यहां पे चेक करो ये बी का मान निकालना है, इनको इसको नीचे सेंड करो, तो बी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस अल्फा, मुझे पता है कॉस अल्फा या सेम बन जाएगा, बस हो गया था। अब हम लोग शुरू करते हैं वर्क और एनर्जी का बचा हुआ यूनिट। अब एक बार हम ये रिपीट करते हैं कि हम लोग क्या क्या वर्क और एनर्जी में पढ़ चुके हैं। देखिए हम एक दिन आपको डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी समझाए, राइट, डॉट ओपन किए तो वो एफ एफ डी कॉस थीटा बना था, थीटा का वैल्यू था उसमें समझाते थे वेक्टर के बीच एंगल लेना होता है, उससे हम वर्क निकाल लेंगे, तो वर्क निकल गया था। फिर आपको हम बेसिक एनर्जी के फॉर्मूले समझाए थे, बेसिक एनर्जी मतलब हम एडवांस एनर्जी के फॉर्मूले नहीं समझाए थे, पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स और उसके फॉर्मूले समझाए थे, काइनेटिक एनर्जी के दोनों टाइप उसके फॉर्मूले समझाए थे, और उससे संबंधित क्वेश्चन में लाए थे हम लास्ट क्लास में किए थे कि मोमेंटम क्या होता है और मोमेंटम जब हम लोग करते हैं चेंज करते हैं तो उसका चेंज कैसे निकालते हैं, तो हम लोग चेंज मोमेंटम समझ लिए थे। आज हम लोग समझेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो इसी चैप्टर के अंदर हम ले रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है डिटेल में समझेंगे, आराम से समझेंगे, जहां पर टफ लगेगा वहां पर आपको पूछेंगे। देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझने के लिए आपको सबसे पहले एक घटना समझना होगा, उस घटना को कोलिजन कहते हैं। कोलिजन का मतलब होता है जब दो मास आपस में टकराए जाते हैं, दो मास आपस में दो कंडीशन में टकरा सकते हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे आके टकराएं, ठीक है, या एक की वेलोसिटी ज्यादा हो दूसरे एक कम हो और सेम दिशा में टकराएं, ठीक है। अब कोलिजन को समझेंगे, कोलिजन में हम लोग दो चीज को कंजर्व करने की कोशिश करेंगे, मोमेंटम तो बाय डिफॉल्ट कंजर्व करना ही करना है, रियल लाइफ में अभी हम जो पढ़ेंगे वो एप्लीकेबल नहीं है, रियल लाइफ में इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन जैसे कुछ लकड़ा आता है उसको समझाएंगे,
हम लोग अभी वो प्रोजेक्ट समझेंगे जिसमें तमाम अजम्पशन करे हुए हैं, ये लॉस नहीं होगा, वो लॉस नहीं होगा, एनर्जी लॉस नहीं होगा, ठीक है एकदम, मतलब जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा, मतलब मेरे वाले कोलिजन में जो यहाँ चलने वाला है उसमें साउंड की बात नहीं होगी कि ये अच्छा ये बताओ मान लो कि हम इसको ऐसे मान लो क्योंकि ये नीचे आया इसे टकराया तो साउंड आया, तो साउंड किसी न किसी एनर्जी का ही हिस्सा कन्वर्ट हुआ है साउंड में। अब जो हिस्सा साउंड बन के निकल गया वो तो आपके हाथ से निकल गया ना, अब वो आपके क्वेश्चन में सॉल्व नहीं हो सकता, तो मतलब वो आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी नहीं देगा। तो हम लोग को वो सिस्टम यहां पर नहीं लाना है, हम लोग ये मान के चलेंगे कि हम लोग जो दो ब्लॉक्स आपस में लड़ने वाले हैं उनकी एनर्जी आपस में ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन कुछ एनर्जी का लॉस नहीं होगा। हम लोग ये भी मानने वाले हैं आगे चल करके कि रोड पर जब किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे घटाएंगे तो रियल लाइफ में क्या होता है, मान लो मेरे पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल फुटबॉल को ऐसे एक समतल प्लेन है, फुटबॉल को रख के ऐसे थ्रो कर दिया तो रोटेट करते 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 गया और कुछ बार जाकर रुक गया, क्यों रुका बेटा, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा था, अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो वो रुक गया, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म, तो आप लोग कहां गई, उसका सही एक्सप्लेनेशन क्या है। हमेशा ध्यान रखो जब भी वर्क होता है, देवन बताया थे जब भी वर्क होता है वो वर्क जब आप करते हैं तो कोई ना कोई फोर्स लगा के करते हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी खत्म होकर जीरो हो चुकी है, इसका मतलब कोई और फोर्स था वहां पे जो फोर्स वर्क कर रहा था और उसकी वर्क करने से इसकी एनर्जी खत्म हो गई। या ऐसे कह सकते हो कि ये जो एनर्जी बॉल के पास थी, बॉल उस एनर्जी से जब चला तो बॉल में लगने लगा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन एक फोर्स है, तो बॉल की सारी एनर्जी उस फ्रिक्शन को ओवरकम मतलब उस फ्रिक्शन से निपटने में खत्म हो गई, ठीक है, मतलब फ्रिक्शन लग रहा है, बॉल चल रहा है तो उस फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहा है कि भाई मत लगो मत लगो, लेकिन लग ही तो रहा है, उसे कनेक्शन नहीं लगेगा, लग रहा है, अब जाते 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 बॉल फाइनली टायर्ड हो जाता है, रुक जाता है, तो वहां पर जो आपका फ्रिक्शन लगा उसकी वजह से एनर्जी खत्म हो गई, तो खत्म नहीं हुई वो कन्वर्ट हो गई, तो कहां कन्वर्ट हुई, साउंड में नहीं, हीट में नहीं, कहीं ना कहीं कन्वर्ट हुई है, वो दिख नहीं रही है, तो जानना पड़ेगा कन्वर्ट हुई, तो जानना ये है कि वो जो फ्रिक्शन लग रहा था ना वो वर्क कर रहा था, तो ये वही वर्क के बराबर हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हुआ, फ्रिक्शन वाला जो फोर्स था वो कितना वर्क किया था, वो जितना इसका शुरुआत में एनर्जी था उतना एनर्जी के बराबर वर्क किया है, तभी अगर उसकी एनर्जी खत्म हो गई है। तो मतलब अगर तुमको एनर्जी पता है तो तुम डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो कि फ्रिक्शन कितना वर्क किया है, अगर मान लो तुमको एनर्जी नहीं पता तब तुमको निकालना पड़ेगा एफ इंटू डी से, एफ इंटू डी से कैसे निकलेगा बेटा, फ्रिक्शन निकालेंगे अलग से एज अ फोर्स, ठीक, उसके बाद हम लोग डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है वो निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा कितना वर्क लगा है फ्रिक्शन के जरिए, जब भी फोर्स निकालना होगा सॉरी जब भी वर्क निकालना होगा फोर्स की वजह से एफ डॉट डी के फॉर्मूले से निकालेंगे। अब हम यहां पर देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए हम एक केस लेते हैं, उस केस में हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट ये है ये इधर की तरफ जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट ये है जो इधर की तरफ जा रहा है, इसकी इसकी इनिशियल स्पीड है, इसका इनिशियल स्पीड यू टू, इसका स्पीड यू वन, हम ये मान रहे हैं कि यू वन ग्रेटर देन यू टू है, अब ये इसको ठोकेगा कुछ ऊर्जा के निश्चित हो गया पता नहीं है, इसको जरूर हिट कर देगा ये, तो अब जब ये इसको हिट करेगा तो मान लेते हैं कि कोलिजन हैपेंड, कोलिजन हो गया, जब कोलिजन हो जाएगा तो ये फास्टर हो जाएगा और ये स्लो हो जाएगा। अब जब आपको समझना है अगर कोलिजन हो गया तो इसकी स्पीड तो वी वन हो गई, देखो यू इनिशियल तो वी फाइनल और इसकी स्पीड वी टू होगा, इसकी स्पीड वी टू हो गई। हम लोग यहां पर समझेंगे कि कोलिजन के पहले इसका मोमेंटम पी वन कितना था, वो था एम वन यू वन, इसका मास एम वन है इसका मास एम टू है, इस कोलिजन में ये अजम्पशन लेके चलेंगे कि मास में चेंज नहीं आया है, बेटा इसका मोमेंटम कितना था पी टू एम टू वी टू होगा, इसका मोमेंटम फाइनल कितना था अभी भी है, हमको यहां पे पी वन क्यों लिखती है तो इसको पी वन डैश टू डैश लिखते हैं कितना बेटा एम वन वी वन नंबर वी वन इसका मोमेंटम ठीक है, अभी देखो हमें कुछ किया नहीं है
सिर्फ इनके इंडिविजुअल अलग अलग मोमेंटम लिखा गया है। हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ जब हाँ सॉरी सॉरी थैंक यू। ये यूट्यूब बेटा ये वाला वेलोसिटी यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे वहां से यहाँ पे वहां से यहाँ पे सेम वहां पे। अब ये एम वन इवन है वो फाइनल मोमेंटम है इस ऑब्जेक्ट का। ये थ्योरम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि ओरिजिन के पहले जितना मोमेंटम था दोनों का मिला करके अलग अलग नहीं दोनों का मिला करके इतना ओरिजिन था बाद में उतना ही बचेगा ओरिजिन के बाद भी उतना ही बचना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ यहाँ का मोमेंटम निकाल के जोड़ दो मतलब पी वन प्लस पी टू तो वहां पर क्या होना चाहिए जोड़ दो इन दोनों को पी वन डैश प्लस पी टू डैश ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कुछ टीचर्स या कुछ बुक्स में इस चीज को ऐसे ना लेकर के डायरेक्टली बोलोगे फॉर्मूला देते हैं मतलब कि एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन बी वन प्लस एम टू बी टू और ये फॉर्मूला बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पर बात आती है क्या मोमेंटम ही कंजर्व रहेगा क्या कुछ और भी कंजर्व रह सकता है तो बेटा एक और टर्म आता है जिसको कहते हैं अगर कोई इस चैप्टर को एडवांस में जानता है तो बताए क्या चीज और कंजर्व हो सकती है। मास तो है ही कंजर्व वो तो ऑलवेज कंजर्व कौन सी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे बस एक ही गेम है अगर काइनेटिक एनर्जी इसकी इसकी निकालें जोड़ दें इसकी इसकी निकालें जोड़ दें दोनों को देखें बराबर है कि नहीं है अगर बराबर है तो इस तरह के कोलिजन को बोला जाएगा इलास्टिक कोलिजन अगर बराबर नहीं है तो इस तरह के बोला जाएगा इन इलास्टिक कोलिजन। ओके अब जरा बात को समझना हम ये कहने वाले हैं कि यहां तक हम लोग सिर्फ पढ़े हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम इस कोलिजन को डिफाइन करना चाहते हैं कि कोलिजन देखो पहली बात तो ध्यान हमेशा रखो अगर कोलिजन हुआ है तो ये केस हमेशा रहने लगेगा चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो अब कोलिजन के टाइप्स क्या रहे चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो या वो इन इलास्टिक कोलिजन हो ये चीज हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी मतलब कंजर्व रहेगी। वो जो चीज है जो कंजर्व रह सकती है सकती वो काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो गई मतलब इस साइड का अलग निकालो इस साइड का अलग निकालो देखो तुम बराबर आ गया तो वो बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। लेकिन अगर नहीं रही इलास्टिक कोलिजन अगर बात को समझो तुम लोग ऐसा लग रहा है ना अगर इधर की करंट एनर्जी निकाले K1 K2 दोनों को ऐड करके मान लो K आ गया ऐड करके K आ गया K1 डैश K2 डैश दोनों को ऐड करके K डैश आ गया। अब जरा सोचो K ज्यादा होगा या K डैश सोचो नहीं अगर दोनों बराबर नहीं तब दोनों बराबर इलास्टिक कोलिजन है अगर बराबर हो गया इलास्टिक कोलिजन हो गया अगर इन इलास्टिक है तो बराबर नहीं होंगे तो कोई एक बड़ा होगा तो चांस क्या है कौन सा बड़ा होगा ये बड़ा होगा क्योंकि बेटा के डैश में कन्वर्ट हो रहा है तो इस चीज में एक्स्ट्रा एनर्जी तो आएगी नहीं जाएगी नहीं जाएगी अंदर से बाहर साउंड के रूप में चली जाए या जब दोनों टकराएं तो गर्म हो जाए गर्म हो गया तो हीट के रूप में गायब हो गई राइट। अगर ये चीज सरफेस पे हो रहा था तो सरफेस में फ्रिक्शन में कुछ कमी आ गई फ्रिक्शन में से कुछ एनर्जी खत्म हो गई ये पॉसिबिलिटीज है कि आपकी एनर्जी कहीं गायब हो रही है कहीं ना कहीं मिस हो रही है काइनेटिक एनर्जी तो कहा मिस हो रही है ये कहा मिस हो रही है बस ये है कि चलो कम हो गई तो अब कोई अच्छा कम हो गया मतलब इनइलास्टिक। हमारे डेली लाइफ में कोलिजन जो भी होते हैं वो इलास्टिक नहीं होते इनइलास्टिक होते हैं ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं किसी को एक पड़ा खींच के मारो तो वो तुमको एक पड़ा थोड़ा कम खींच के मारेगा वहां पर ये लागू नहीं होता जब अजत मार दे बढ़िया ठीक है। अब देखो दूसरा केस देखते हैं अगर इलास्टिक कोलिजन है ठीक है तो जो पहला कंडीशन है वो फॉलो होगा दूसरा कंडीशन है कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। बिफोर लिखना पूरा इसको आफ्टर लिखना पूरा। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो अलग अलग नहीं जोड़ के टोटल इसको जोड़ के टोटल मतलब इधर का टोटल लिखा मतलब हाफ एम वन यू वन स्क्वायर हाफ एम टू यू टू स्क्वायर हाफ एम वन बी वन स्क्वायर हाफ एम टू बी टू स्क्वायर इसको जोड़ो बनाओ टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इसको जोड़ो बनाओ टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन और दोनों को इक्वेट करो अगर ये बराबर दिख रहे हैं बराबर आ गए तो वो हो गया इलास्टिक कोलिजन दो चीज इसमें कंफर्म होगी। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक आई एन मतलब इन इलास्टिक
ठीक है, ये इन देखो इन और इलास्टिक एक साथ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि इनके बाद स्पेस है, व्हाट्सएप चैट नहीं हुआ इस वजह के वे लोग इन इलास्टिक है कंटिन्यू राइट। तो जैसे कि एक होता है वाइट, एक होता है इनवाइट, कंटिन्यू बना ठीक है। यहां पर देखो इन इलास्टिक में तुमको बताना पड़ेगा कि तुम बराबर नहीं है, बस इतना ही फर्क है। पहला कंडीशन तो फॉलो होगा ही होगा, मतलब मोमेंटम तो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। आईआईटी में अगर ये क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, उससे पहला अगर आ गया मोमेंटम इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, बोथ आर कंजर्व, ओनली फर्स्ट इज कंजर्व, तो ऐसे अगर ऑप्शन आ गया कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मोमेंटम कंजर्व दोनों में होता है, एक चीज और मोमेंटम की बात नहीं हो रही है, मोमेंटम की बात हो रही है ठीक है। टम किस में समझ रहा है, मास से समझ रहा है, टीएम एम में किससे मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी से, तो क्या आएगा मोमेंटम आएगा, मोमेंटम है नहीं, अगर हमसे गलती नहीं कर जाए तो समझ जाना ठीक है। तो बिना तो दूसरा वाला केस ये है कि आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन विल नॉट बी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, नोट कर लेना इसको। अब होता क्या है कि हम लोगों को एक बड़ा सा फॉर्मूला रखना होता है, उस फॉर्मूले का एक ट्रिक बना हुआ है। अब यहां पर एक कंट्रोवर्सी है, जब वो फॉर्मूला बना, मतलब एक्चुअली वो मेरा फॉर्मूला नहीं है, जो टीचर वो फॉर्मूला बनाया बहुत ईमानदारी से बता रहे हैं, हर टीचर के विद्यार्थी ईमानदार नहीं होते, कुछ कुछ रद्द होते मार होने वाले होते सारे। होता क्या है कि मेरे यहां जो एरोस्पेस की क्लास होती है उसमें कुछ कुछ बच्चे हमसे लाइव आगे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे मेरा वीडियो कोर्स खरीदते हैं वो वीडियो कोर्स से पढ़ते हैं, उनकी संख्या होती 200 के ऊपर, पिछले साल एक रैंक में डबल डिजिट में गेट एरोस्पेस मेरे यहां से। अब वो लड़का अपनी रैंक बेच के दूसरे को रिजल्ट बना, मतलब हम इनके स्टूडेंट नहीं है हम उनके स्टूडेंट हैं। अब उनके यहां से वो रैंक आने रही थी, वो रैंक खरीदने के बच्चों का तुम्हारा मन है कि हम मैकेनिकल से पढ़े साइंस देंगे, हम हिस्ट्री साइंस देंगे, हम हिंदी साइंस देंगे, तो वैसे ही गेट में होता है। गेट में आप बीटेक किसी भी डिपार्टमेंट से, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एरोनॉटिकल एरोस्पेस, आप एमटेक गेट किसी भी उससे दे सकते हैं सिविल से। प्रॉब्लम यह कि उसका जो ड्रॉबैक होगा वो आप फेस करेंगे कि स्टेडियो बेस की अगर आप बीटेक स्टूडेंट हैं तो आपको ज्योग्राफी उतनी पता नहीं है, लेकिन टेक्निकल पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा आपका ठीक। वैसे गेट में तो वो बच्चा एरोस्पेस का था, मेरे यहां से एरोस्पेस में प्रिपेयर किया, गेट दिया, उसकी रैंक आई डबल गेट रैंक थी, वो बेचारा हमको अपना वॉइस मैसेज वगैरह कॉल व्हाट्सअप कर दिया, सर थैंक यू टू मच दिस दैट, बाकी हो गई चैट भी हो गया, उससे बोले बेटा इंटरव्यू कर दोगे, वो क्या मैसेज इंटरव्यू छोड़ दिया, फिर मैसेज इंटरव्यू कर दोगे ठीक है, इंटरव्यू लेते हैं जो बच्चा मैंने छोड़ दिया, देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर समझ के मैटर हो गया है उसका, तो मेरा मैसेज बेटा बंद कर दिया डबल टिक, सिर्फ ग्रे हुआ था ब्लू वाला नहीं हुआ था, फिर व्हाट्सएप पर स्टेटस देख रहा वो देख रहा है स्टेटस मेरा, इतना लोगों पर वो, लेकिन मेरा मैसेज फ्रेंड नहीं कर रहा हूं समझ के मैटर हो गया। संजय से फ्रेंड बता दिया वो स्टूडेंट आंध्र प्रदेश का या तमिलनाडु का, शायद आंध्र प्रदेश का स्टूडेंट है, उसका फ्रेंड बताया सर ऐसी बात अपना राइट भेज दिया दर्शक, वो क्या हुआ कि वो लड़का हमसे आज तक मैसेज रिप्लाई नहीं किया, और जो रैंक खरीदा था जितनी वो फीस हमको दिया था वो उतनी फीस का रैंक खरीद दिया, अब हम तो उसको पढ़ा के सफल बनाए तो हम बिना उसकी फीस रिटर्न करेंगे, हम जब गलत काम करेंगे तब ना लाख रुपए देकर के रैंक खरीदेंगे, हम जब मेहनत किए तुम्हारे साथ डाउट बताए तुमको लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहे एक साल के लिए तुम्हारा गेट निकला है तो कोई और तुमको पैसा दे देगा, हम क्या तुमको पैसा दे पाएंगे, हम क्यों पैसा दें तुमको, वो तुम्हारी ईमानदारी पर डिपेंड करता है। ऐसा हो मेरे साथ लास्ट ईयर, और उसके पहले मेरे यहां से 22 रैंक आई थी और इंडिया रैंक 22 मेरी कोचिंग से गेट में, उसका भी एक कोचिंग वाले छाप दिए थे ये मेरा स्टूडेंट है, जबकि उसका पूरा अपना इंटरव्यू पड़ा हुआ यूट्यूब पे। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, हम लीगल एक्टिविटी करें कोचिंग के ऊपर क्लेम करें ये करें वो करें, इसमें मेरा टाइम नुकसान होगा, उसका तो हम फिर खर्च कर ही देंगे लेकिन टाइम मेरा बचा जाएगा, फंसे कितने बच्चे इसका कहां उसने पड़ेगा।
एक दो रैंक मेरे मेहनत से आ जाए कोई और ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे 50 रैंक लिखा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जब कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है तो आप लोगों को पढ़ना होता है कि ये जो फाइनल स्पीड है ये कैसे निकलती है। तो हम ये बात इसलिए बता रहे थे कि ऐसा ही नहीं है हमारे साथ में भी बच्चे पढ़ते, हम लोग स्टूडेंट थे, बड़े आराम आने लगते थे। वो क्या करते थे, टीचर जब फिर बताता था वो आज यूट्यूब पर बोलते हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं यूट्यूब पर आते हैं आईडी के लिए, वो कहते हैं उनकी ट्रीट, हम लोग सब ही ट्रीट है, डरता है मेरी ट्रिक है, उसको बड़ी पता है कि कोई मंदा बच्चा भी अपने ग्रुप इज्जत कर रहा है। अरे भैया ट्रिक खुद बना तो खुद मेरी ट्रिक है, अगर तुम्हारे सर भी ट्रिक है तो पता नहीं क्या करता है कि सर भी ट्रिक है, मेरे सर की ट्रिक है उसमें क्या दिक्कत है। तो अब उन वो तो गधे हैं, उनको उसने ट्रिक बनी नहीं, दूसरी ट्रिक कॉपी कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं बीवन ड्यू क्वालिटी करने का टाइम आपको, लेकिन एक्चुअली थोड़ा बड़ा इक्वेशन है तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। तो पहले आपको वो इक्वेशन दिखाते हैं, क्वेश्चन आपको एक बार याद करना पड़ेगा, मतलब देखते हैं दिखता कैसा है। उसमें M1 होगा, M2 होगा, U1 होगा, U2 होगा, यही चार टर्म उसमें होंगे जो इस साइड में लिखे हुए हैं। इस साइड के चारों टर्म होंगे, M1 यहां है, M1 यहां है, ये नोन रहेगा, तो यहां भी M1 M2 रहेगा, तो नोन रहेगा, U1 U2 नोन रहेगा, दिया हुआ रहेगा। हमको सिर्फ निकालना है B1 U2 का कोलिजन हो चुका है, कोलिजन हो चुका है, ठीक। तो ये हम मान के चल रहे लास्ट कोलिजन, इसके लिए B1 U2 माना तो निकालना, ठीक है। आपको दिखाते हैं कैसा दिखता है। चलो शुरू करते हैं। देखो ये जो फॉर्मूला है इसको याद कैसे रखना है, एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं। कहानी ये है कि देखो ये बेचारा सीन ऐसे है, नीचे में तुम देखो सेम है मासेस, ठीक। M1 का सेंटर M2 प्रोग्राम जोड़ दिया गया है, नीचे में सेम है। यहां पर तुम देखो इस फॉर्मूले को M1 -M2 लिखा गया है, हम इसको थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, ये माइनस हम कॉमन ले रहे हैं, इसको हम प्लस कर दे रहे हैं, और इसको हम M1 कर दे रहे हैं, और इसको हम M2 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं कहानी सुनाते हैं आप लोगों को, उस कहानी से हमको याद हो जाएगा, वैसे भी याद तो हो ही जाएगा, याद तो हो ही गया, हम क्या ठीक है। चलो तो यहां पर आप देखिए M1 -M2 यहां पर एक कहानी है, आप लोग सारे लोग ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसी कुछ कहानी है, उस कहानी में सीन ये कि M1 -M2 U1 2 M2 U2 ये एक तो साफ सफरा है, 2 M1 U1 M2 U2 पहला सब कुछ पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है M1 -M2 U1 2 M2 U2 2 M1 U1 M2 -M1 U2, ठीक है। आने का अब आपको इसको रटना है, देखो रटो ही कैसे, जैसे रटो ठीक है। ट्रिक बताते हैं, ट्रिक देखो, B1 = M1 -M2 U1 + 2 M2 U2 M1 +M2। ट्रिक इसका ये है कि पहले फॉर्मूले में दूसरे फॉर्मूले में M2 -M1 है, ठीक है। पहले फॉर्मूले में M1 -M2 है इसलिए U1 है, दूसरे फॉर्मूले में M2 -M1 है इसलिए U2 है, दोनों फॉर्मूले में प्लस साइन है प्लस साइन है, ठीक। पहले फॉर्मूले में यहां पे M2 घट गया था, उसको कंपनसेट करने के लिए दो बार M2 लिख दिया गया है, M2 लिखो तो U लिखना पड़ेगा, मोमेंटम का बात है भाई। इस फॉर्मूले में यहाँ पे M1 घट गया था, कंपनसेट करने के लिए दो बार M1 लिख दिया गया था, वैसे याद हो जाएगा ये फॉर्मूला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रिक हम बताएंगे लेकिन याद करेगा हम कौन करता है। आप लोगों का काम ये है इस फॉर्मूले को देखिए, और अभी के अभी आप लोगों को बिना देखे इस फॉर्मूले को पहली बार में सही लिखना है, दिस इज अ चैलेंज। आप फोकस करिए इस फॉर्मूले पे, सभी लोग इसको लिखिए और फोकस कीजिए अपना क्या लिखा हुआ है, ध्यान लगाइए, सत्संग भजन योगासन कीजिए 5 मिनट के लिए, उसके तुरंत बाद जब बोले सर आई एम रेडी लिखिए उसके बाद, ठीक है। हम कैमरा ऑफ करते हैं, आप लिखिए सबको दिखा, देखो यूट्यूब पे बच्चों ये मेरी स्टूडेंट है, ये यूट्यूब गायब कर दी थी आपसे, यूट्यूब गायब करके बोल रही है सर बस यूट्यूब गायब हुआ था। बेटा तुमको पता है नोबेल किस कंट्री में दिया जाता है, नोबेल किस कंट्री में होता है,
नोबेल किस कंट्री में मिलता है? नोबेल तो किसी में किस कंट्री में ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है नोबेल वाला? नोबेल जो पुरस्कार मिलता है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किस कंट्री में जाकर लेना पड़ता है? अमेरिका, जर्मनी, जापान, चाइना, श्रीलंका चलेगा, स्कॉटलैंड। तुम लोग देखो नोबेल का नहीं पता, स्वीडन सुने हो? हाँ, ये पता है स्वीडन नोबेल मिलता है? नहीं, ये पता है कि स्वीडन में बुलाना पड़ेगा। तो मतलब हम ये क्या चाह रहे हैं, तुम लोगों को इंटरनेट में स्वीडन इस लिए दिख पाए हैं कि आप लोग ये जानते रहिए कि कल वो ये स्टूडेंट, देखिए जब आप कानून के लॉस तोड़ते हैं ना तो आप जेल जाते हैं, लेकिन जब आप फिजिक्स के लॉस तोड़ते हैं तो आप स्टूडेंट जाते हैं, आपको नोबेल मिलता है, समझ रहे ना? जेल जाएंगे तो नोबेल मिलेगा। अगर आप रूल्स तोड़ते हैं फिजिक्स के, मतलब ऐसे कर लो, अगर आप कानून के रूल्स तोड़ते हैं तो आप जेल जाएंगे और आपको नोबेल मिलेगा, लेकिन अगर आप फिजिक्स के लॉस तोड़ेंगे तो आप स्टूडेंट जाएंगे और आपको नोबेल मिलेगा, ठीक है? वो जाएगी स्टूडेंट, यू गायब थी उसी रास्ते पे चल रही हो, फिर बदल देगी। अब इस इक्वेशन में सेवरल केसेस बनते हैं, उन सारे केसेस पर आईआईटी मेंस में और नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे केसेस क्वेश्चन आ चुका है। और हम लोग को ये समझना है कि अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए कि माउंटेन एवरेस्ट बहुत बड़ी, मतलब जो हमारा पहाड़ है हमारा थोड़ा वो सब कौन सा है जिसमें कहा जाता है नेपाल सब्जेक्ट है नहीं, नहीं ये नहीं पूछ रहे हो कहाँ है वो सब्जेक्ट, कौन सा उसका नाम क्या है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी, मेरा नीक है इसका नीक है कितना सब्जेक्ट का इनाम हो जाते हैं। तो ज्योग्राफी जो होता है उसमें उसमें से उठा लो तुम माउंटेन एवरेस्ट, और बायोलॉजी से उठा लो मच्छर, बायोलॉजी या बॉटनी, जियोलॉजी क्या जियोलॉजी से उठा लो मच्छर, ठीक है? अब यहाँ पे दो केस बनाएंगे, माउंटेन एवरेस्ट रुका हुआ है, यू वन स्पीड से मच्छर आया माउंटेन से टकराया, तो अब इस मच्छर का फाइनल स्पीड क्या होगा? हम दूसरा केस बनाते हैं, मच्छर रुका हुआ है, माउंटेन एवरेस्ट यू स्पीड से आया, इससे टकराया, अब मच्छर का क्या होगा, ठीक है? अब इन दोनों केसेस को हम लोग किस पर देखते हैं, इस इक्वेशन के जरिए। मजा दिया जाएगा, नहीं मजा आया तो बोलना तुम लोग निकाल देंगे, कैसे मान लो कि तुम्हारा ये बहुत बड़ा सा पहाड़ है, ठीक है? इसका मास बहुत है, मतलब M2, और M2 इज ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, जितना सैन लगा सकते लगा तो लास्ट में एनिमल लिख देना, ठीक है? और मान लो यहाँ पे एक छोटा सा मच्छर है, ये मच्छर फ्लाई कर रहा है, मतलब रुका हुआ, रुका हुआ है। अगर इसको तुम कहते हो कि U1 स्पीड से मच्छर की तरफ चला और मच्छर का U2 स्पीड तुम 0 मान लो, रेस्ट मान लो उसको। अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ लगा के हम निकालना चाहते हैं कि जब ये इससे टकराएगा, टकराने के बाद इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, मतलब V1 और V2 क्या होगी? टकराने के बाद इसका स्पीड V1 मान लेते हैं, इसका स्पीड V2 मान लेते हैं, V2 माने इसको U2 माने, इसके V2 मान रहे हैं। अब जरा देखो, सॉरी एक और यहाँ गलत कर दिया, M1 ग्रेटर ग्रेटर देन M2 मान रहे हैं, मतलब ये सारा एक तरफ और ये सारा एक तरफ ओरिजिन होने जा रहा है। अब इसको तुम मैथ में समझो, देखो बेटा M2 जो है ना वो बहुत भयंकर बड़ा हो गया है, M1 जो है वो भयंकर बड़ा हो गया है, अगर M1 बहुत तगड़े से बड़ा हो जाएगा तो वो, अगर तुम मैथ में ऐसा एजम्पशन मानते हैं हम लोग, कई हजार करोड़ रुपए में अगर तुम एक दो रुपए जोड़ दोगे, एक दो रुपए कम कर दोगे, तो उससे वो हजार करोड़ रुपए का होगा नहीं, डिस्टर्ब उतना ही रहेगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ आता है कि अगर मान लीजिए आपका एनिमल इतना खतरनाक पड़ा है, 50,000 क्विंटल, मतलब कुछ भी कह दो उसको, 20-25 करोड़ बोल देता है, कई कई किलो का ये हो गया, और ये 20 ग्राम, ठीक है? मान लो ये हो गया माउंट एवरेस्ट, ये होगी पायल 2 ग्राम की पायल। अब इस पायल दो सोने वाली पायल, हम अपने किसी स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अरे हम पटक के देखो, ये M1 माइनस M2 है बेटा, इसको हम लोग सिर्फ M1 लिख सकते हैं, ये स्पेशल केस बना रहे हैं, स्पेशल केस बना रहे हैं, इसमें 8 स्पेशल केस बनते हैं बेटा, इसमें 8 स्पेशल केस बनते हैं। तो देखो M1 को M2 से बहुत बड़ा मान लिया गया है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा M1 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा M1 हो जाएगा, ठीक है? अब देखो ये पूरा क्या हो जाएगा M1 हो जाएगा। अब M2 ऑलरेडी छोटा है, उसको बहुत बड़ी संख्या से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, छोटा 0 आ जाएगा, इसको 0 के बराबर मान लेंगे, ये टर्म खत्म हो गया, ये टर्म में आंसर क्या आया U1 आया, U1 आया बेटा, M1 कट गया ना,
यू बनाया, इसका मतलब जो फाइनल स्पीड पहाड़ की होगी, पर्वत की होगी, वो उसके इनिशियल स्पीड के बराबर होगी। देखिए आगे आंसर, अब समझते हैं मच्छर की स्पीड क्या होगी। अब जरा तुम लोग इस इक्वेशन को ऐसे ही एनालाइज करके सोचो कि मच्छर की स्पीड क्या होगी, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। जो तुम हंस रहे थे ना, अब मजा आएगा, सोचो बेटा। तो देखो फाइनली एक बार फिर से हमारे क्लास से आंसर आ चुका है, मच्छर की स्पीड हो जाएगी 2u1। लेकिन कैसे हो जाएगी, देखो बेटा ये टर्म खत्म हो जाएगा, क्यों बेटा, m2 तो इतना मतलब समझो, यहां यहां पर अगर तुम जब चेक करो, यहां यहां पर m2 माइनस m1, यहां पर देखो m1 प्लस m2, ये यहां पर इस टर्म को समझने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई से समझने की कोशिश किया तो महा u2 जीरो है, क्यों समझना इसको बेटा। देखिए ना u2 जीरो है ना, इसको समझना ही क्यों है, जीरो इंटू सारे पार्ट है, जीरो समझिए। देखो अगर तुम m को समेशन m से डिवाइड करोगे तो कुछ आंसर आएगा, इसमें जीरो से मल्टीप्लाई करो आंसर जीरो आएगा, नहीं समझा ना वो जीरो आएगा, पार तो मैं समझ जा रहा हूँ उसको, पक्का तुम समझ रहे हो इसको, नहीं समझे थे पक्का, वेरी गुड आइडिया हो गया। अब देखो इसका देखो यही पे समझना है बस, ये दोनों कितना हो जाएंगे, M1 काट दो कितना आया 2u1, हो गई बात खत्म। 2u1 का मतलब ये हुआ मच्छर जो पड़ा हुआ बेचारा पड़ा हुआ है, उसको पता नहीं माउंट एवरेस्ट आ रहा है, आया कितना डबल स्पीड से भगा, डबल स्पीड से भगा, इसीलिए लोग देहात में कहते हैं हमारा दोहरा नहीं हुआ, उन लोग फ्रीज आती है ना तभी कहते हैं ये हुआ तुम्हारा 2u1 स्पीड, इतना भयंकर स्पीड से भागे मच्छर। अब देखो इस पर ऐसे से क्वेश्चन बनते हैं, कभी इसको जीरो कर देंगे, इसको जीरो कर देंगे, कभी डायरेक्शन ऐसे कर देंगे। अब इसमें अजम्पशन को ध्यान देना है आप लोगों को, हम लोग जो डायग्राम बनाए थे ना उसमें u1 और u2 दोनों की दिशा इधर थी और v1 और v2 दोनों की दिशा इधर थी, मतलब चारों वेलोसिटीज की दिशा एक ही माने थे। अगर मान लो बाई मिस्टेक आप या फिर बाई कैलकुलेशन v1 v2 में से कोई एक नेगेटिव आ गया, इसका मतलब टकराने के बाद उसकी दिशा बदल गई है, टकराने के बाद उसकी दिशा बदल गई है। अब इसका कुछ और इमेजिन कर लेते हैं, एक और केस, तमाम केस बन सकते हैं इसके, 8 स्टैंडर्ड केस बनते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं बेहतर केस की। मान लो कि एक बहुत बड़ा सा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, वो माउंट एवरेस्ट रुका हुआ है, एकदम रुका हुआ है, माउंट एवरेस्ट को रोक दो, चलो बेटा ये हो गया हमारा माउंट एवरेस्ट बहुत बड़ा सा है। अब यहां पर एक मच्छर है, वो मच्छर फ्लाई कर रहा है, M1 U1 स्पीड से फ्लाई कर रहा है, माउंट एवरेस्ट M2 क्योंकि खड़ा है रुका है तो इसकी स्पीड जीरो हो गई। अब जब मच्छर इससे टकराएगा वो चोट हो जाएगा, कहानी सुन लीजिएगी, जो हमसे टकराएगा वो चोट हो जाएगा, हमारे साथ है। अब इमेजिन करो M1 V1 इससे डायरेक्ट टकराया, टकराने के बाद क्या होगा वो तुमको कोई और नहीं, हम नहीं प्लीज बताएगा, चेक करो और खुद से एनालाइज करो कि जब टकराए तो इसकी स्पीड V1 मान लो और इसकी स्पीड V2 मान लो, चेक करो V1 V2 को, और यहां पर अजम्पशन ये लगाओ कि अभी जो M2 है वो ग्रेटर 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 बहुत बड़ा है M1 से। अब इसके हिसाब से सोच के देखो V1 की वैल्यू क्या आएगी, V2 की वैल्यू क्या आएगी, जरा इमेजिन करो फॉर्मूला और खुद से रिजल्ट निकालो। तुम लोग बहुत सारे बच्चे तुम भी निकालने के लगे थे V2 निकालने की जरूरत नहीं, ये पहाड़ है, पहाड़ में से बिहार भी ला सकता है, बिहार का सलमान जी मच्छर कहता है पहाड़ को, ठीक है, नहीं वो तो सरकार है ना, उनको तो सबके सरकार है, ठीक है। देखो मदद बनी भगवान के श्रेणी में तो भैया अलग है, हम तो आदमी बात करते हैं, सिर्फ बस सलमान जी है जो पहाड़ में मिला काट होगा वो काट देते उनके सामने पहाड़ है निपट जाएगा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसी सिचुएशन को ध्यान में रखना, M2 बड़ा है M1 से पहाड़ है, M1 छोटा सा मच्छर है, तो इसको अगर V1 को चेक करना चाहो तो M2 ये देखो M1 माइनस M2 है, M2 बहुत बड़ा है तो ये आंसर नेगेटिव आएगा, इसको तुम अप्रोक्सीमेटली माइनस M2 मान लो सही है, इसको तुम M2 मान लो सही है, M2 काट दो माइनस M बचेगा U1 बचेगा, यहां से U2 बचेगा पार्ट जीरो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई -U1, माइनस साइन का ये मतलब है कि V1 लड़के मतलब वापस आ जाएगा उसी स्पीड से, इसका ये मतलब हुआ, राइट बेटा आपको समझ आ गया, कोई डाउट बेटा आपको, कोई डाउट, वेरी गुड। अब V2 देखते हैं, V2 देखिए इस बारे में अगर कोई भी लोग डिस्कशन किया इस बारे में कोई पूछा तो इतना क्या करेंगे,
बेटा ये यू टू जीरो है, ठीक है, यू जीरो है, इसको छोड़ दो, जीरो खत्म, इस पर सोचो, इस पर सोचो, यही बच्चे अटकेंगे, ये तो पता तुम जीरो करोगे, फसो तुम लोग यहाँ, यहाँ पर बता रहे हैं 90% बच्चे यहाँ फंस जाते हैं, वो सोचेंगे यार ये तो ठीक है। एक चीज का ध्यान रखो, M1 ओके, M1 M2 या M1 बहुत बड़ा है, छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग दोगे, इतनी बड़ी संख्या नहीं है, कई बार रेट लगा हुआ है, इसके इसका आंसर इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से हुआ है, बेटा समझ रहे, वेरी गुड, ये जीरो क्या, तो V2 जीरो आ गया, देखो जीरो खत्म, मतलब V2 अभी भी मच्छर में होता थोड़ा थोड़ी माउंट एवरेस्ट को मिलाते हैं, तो मच्छर थोड़ी होगा वो, ठीक है, तो ये था टेक्निकल केसेस। अभी इसमें बेसिक केसेस बनेंगे, जैसे ये तो फिजिकली पॉसिबल है, पहला तो नहीं है, मान लो ये तो फिर भी पॉसिबल है, नशा गया ठंडे में, माउंट एवरेस्ट टकराया, टकराना वही बात है, लेकिन ऐसा पहला केस पॉसिबल नहीं है, पहला केस पता है कहां पॉसिबल होता है, एस्ट्रोनॉमी साइंस का एक फील्ड है, एस्ट्रोनॉमी हम लोग बड़े बड़े प्लैनेट्स उनकी स्टडी करते हैं, तुम लोग पता है ना बहुत जायंट जायंट चीजें होती हैं हमारे स्पेस में, धरती के कई कई गुना बड़े बड़े जायंट मासेस आर रिवॉल्विंग अराउंड सम अदर मासेस, अगर उसमें से कोई एक मास उसका मून घूमा, अगर वो छोटे से टकराया उन्हें बढ़ जाए, ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम लोग इसमें जेन्युइन केसेस लेंगे जो रोड पर होते हैं, एक्सीडेंटल केसेस लेंगे, ठीक है, तुम बाइक से जा रहे हो, कोई और बाइक से जा रही है, मतलब जा रहा है, बाइक फूंक दी बाइक बेचारी देर में जा रही है, जा रहा है, तुम रोक दिए उसको पीछे से, तो ऐसे बोलिए वहां फिर से लगता, वहां साइकोलॉजी उत्तर के दो पढ़ा ठीक है, तो हम लोग इसके केसेस का डिस्कस करेंगे, बाकी केसेस मजा आएगा, हम क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए।